सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट द सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज ऑड. हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जिनका अगर हम क्यूब करें तो वो ऑड है. अब ऑड क्यूब, खुद सोचो ऑड क्यूब कब आएगा. अब आपको एक रूल बता देती हूँ इधर, कि अगर मेरे पास कोई इवन नंबर है, ठीक है, अगर मैं उसकी कोई भी पावर ले लेती हूँ, ठीक है, पावर कुछ भी है, ठीक है, इवन नंबर मल्टीप्लाई हो जा रहा है इवन नंबर से ही, ठीक है, जैसे मैं 2 को मल्टीप्लाई करे जा रही हूँ 2 से ही, ऐसे मैं एन नंबर ऑफ टाइम्स करे जा रही हूँ, तो वो तो इवन ही रहेगा ना, सोचो खुद. क्योंकि आपने रूल पढ़ा है कि अगर कोई इवन नंबर किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली इवन बन जाता है, ओके. लेकिन अगर मैं किसी ऑड नंबर की बात करूँ, 3 को सोच लो मन में, ठीक है, 3 को मैं 3 से ही मल्टीप्लाई करे जा रही हूँ, बहुत बार एन टाइम्स मल्टीप्लाई करे जा रही हूँ, तो वो कभी भी इवन नहीं बनेगा, इवन वो नहीं बनेगा कभी भी, हमेशा ऑड ही बनेगा. तो कौन से नंबर का क्यूब ऑड होगा, हमेशा किसी ऑड नंबर का ही क्यूब ऑड होगा, ओके. एवरी ऑड नंबर हैज़ एन ऑड क्यूब, एवरी इवन नंबर हैज़ एन इवन क्यूब, ये भी ध्यान रखना है. सो ऑड नंबर्स जो है मैंने अभी बताया था रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, 2n+1, क्यों, क्योंकि 2n क्या होता है, इवन होता है, और अगर हम इवन में एक प्लस करते हैं तो वो ऑड बन जाता है ना, पता है ना कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इवन ऑड होते हैं, ओके. तो मेरा रिक्वायर्ड सेट क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1 वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर, ओके. क्योंकि मुझे सारे पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं, ये देखो यहाँ पर सारे पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जो कि 1 से शुरू होंगे, क्योंकि ऑड भी होने चाहिए, ओके. अंडरस्टूड.